अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, तेलंगाना पान शॉप एसोसिएशन की जानिब से नरेंद्र मोदी की ऑफिस और AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए एक अर्जी पेश की, जो जर्दा तेलंगाना में बंद कर दिया गया है। उससे तेलंगाना हुकूमत को भी नुकसान हो रहा है और कई पान शॉप वालों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि तेलंगाना में ये जर्दा बंद होने की वजह से कर्नाटका से तेलंगाना में ये जर्दा आ रहा है और दुगनी रकम में ये जर्दे को बेचा जा रहा है, बड़े पैमाने पर इसका कारोबार किया जा रहा है। इसीलिए इनका मुतालिबा है कि जर्दे को तेलंगाना में खोला जाए, और गुटके के ये भी लोग खिलाफ है, लेकिन जर्दे को खोलने की गुजारिश और अपील की गई। देखना है इसी बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी तवक्को दिलाया कि वो हुकूमत तेलंगाना से बात करेंगे, ताकि जो गरीब लोग पान शॉप चलाते हैं जो जर्दे के ताल्लुक से उन पर सख्ती की जा रही है वो ना हो। देखना है कि तेलंगाना पान शॉप एसोसिएशन की जो कोशिश है वो कितनी कामयाब होती है। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। नमस्कार, आदाब, सलाम अलैकुम। मैं सलाउद्दीन, तेलंगाना पान ओनर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना हैदराबाद के अवाम को मैं ये बात की इतला देता हूँ कि तमाम पान शॉप वालों को, ये जो लेटर टुबाको का अपना जर्दे का जो मसला था, मैंने प्रधानमंत्री ऑफिस तक पहुँचा हूँ और मोदी जी के ऑफिस के ऊपर भी मैं लेटर दे दिया हूँ, और साथ में यहाँ के जितने संसद के लोग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर हो, अमित शाह जी हो, असदुद्दीन साहब, सबसे मुलाकात हुई, मैंने लेटर जमा करा है और मैंने उसमें अपील की है कि तेलंगाना में जर्दे को ओपन करने के लिए और हमारी समस्याओं को हुकूमत तक पहुंचना, और हमने यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर को दिया है। मेरे साथ में कर्नाटका और से मुरली जी है, साथ में विजय सर है, और साथ में मिस्टर पटेल साहब गुजरात से है। इसलिए मैं हैदराबाद की आवाम से और तेलंगाना गवर्नमेंट से, चंद्रशेखर राव जी से अपील करता हूँ कि इतनी मुश्किल हो रही है तुबाकों में, ये मिल नहीं रहा है जर्दा, और साथ में 100 रुपये का माल 200 में खरीदना पड़ रहा, और तेलंगाना की सरकार को रेवेन्यू नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को, तमाम चीज़ों को देखा जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। नमस्कार, आदाब, थैंक यू।